कूल बॉस कूल। तेरा बेटा खत्म होने ही वाला था कि देवयानी ने मुझे रोक दिया। उसने कहा कि मुहूर्त अच्छा नहीं है, सही मुहूर्त आने तक हमें इंतजार करना चाहिए। कभी न कभी, किसी न किसी दिन ये काम तो मुझे पूरा करना ही है। यू डोंट वरी, कूल बॉस कूल। हाँ, इस घर में वो औरत है ना, अरे वही तुम्हारी बीवी। उसे देखकर मेरा दिल बहुत ही ज्यादा दुखी हो रहा है। ऐसी खूबसूरती को यूं ही बर्बाद होते नहीं देख सकता हूं मैं बॉस। तुम तो बस एक जिंदा लाश की तरह हो। अब तुम्हारी बीवी का ख्याल किसी न किसी को तो रखना पड़ेगा। हाँ, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं हूं ना। हाँ, अरे कूल डाउन बॉस कूल डाउन। इस समय घर में कोई नहीं है बॉस, तुम्हारी बीवी अकेली है कमरे में। मैं जाता हूं और एक बार देख कर आता हूं। चलता हूं, मुझे गुड लक तो कहो। हेलो, कौन बात कर रही है? सॉरी, रॉन्ग नंबर। कौन है? डॉक्टर साहब आए मैडम, आपको बुला रहे हैं। ठीक है, चलो। अच्छा खासा मौका हाथ से निकल गया।
आपका बीपी फिर से बढ़ गया है, ध्यान रखना होगा आपको। अपने बीवी और बच्चे को देखकर थोड़ी हिम्मत तो कीजिए। इन्हें आप ही समझाइए डॉक्टर, इन्होंने हमेशा हमारी जरूरतों का ध्यान रखा है, लेकिन ऐसी परिस्थिति आएगी ये कभी सोचा नहीं था इन्होंने। हमारे लिए दिन पर दिन परेशान होते जा रहे हैं, अपनी सेहत का ध्यान बिल्कुल भी नहीं रखते। सुनिए, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं डॉक्टर, आप ही इन्हें समझाइए ना। मिस्टर श्रीराम, व्हाट इज दिस, डोंट बी इमोशनल, आपको कुछ नहीं होगा, हम कोशिश कर रहे हैं ना, आप जल्द ही ठीक हो जाएंगे। इस बार इनकी दवाई बदल रहा हूं, कुछ दिनों के बाद इन्हें हॉस्पिटल लेकर आना पड़ेगा, एक बार चेकअप करना है, एक बार फिर पता चलेगा कैसा रिस्पॉन्स है। आप चिंता मत कीजिए, यह दवाई बहुत पावरफुल है। मिस्टर श्रीराम जल्दी ठीक हो जाएंगे। थैंक यू डॉक्टर, मैं चलता हूँ। अपना ध्यान रखिए श्रीराम। दवाई के लिए कहा है डॉक्टर? हाँ जी। मुझे पर्ची दीजिए, मैं लेकर आ जाता हूँ। कोई बात नहीं, शाम को मंदिर जाने वाली हूँ, आते वक्त लेकर आ जाऊंगी। कैसी आवाज निकाल रहे हो? हाँ, तुम बस बैठकर सोचती रहो कि कंपनी का फायदा कैसे होगा, पैसे दुगुने कैसे होंगे, इस सब से काम हो जाएगा, और वहाँ जो चल रहा है चलने दो, हम दोनों को धक्का मार के निकाल दिया जाएगा। वहाँ पर आखिर ऐसा क्या हुआ है? वो डॉक्टर आया था, इस बार कोई पावरफुल दवाई लिख कर गया है, हम दोनों की तो बैंड बज जाएगी। ऐसा क्या, तो इसका मतलब है कि श्रीराम बहुत जल्दी ठीक होने वाला है? मैंने कहा कि दवाई ले आता हूँ, पर उस लक्ष्मी ने मुझे मना कर दिया। हमें उस दवाई को श्रीराम तक पहुँचने से रोकना होगा हर हाल में। तो महालक्ष्मी जो दवाई लाई है ना, वो श्रीराम तक नहीं पहुँचनी चाहिए ना? यहाँ आसपास देखकर मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग वहाँ पहुँच चुके हैं जहाँ हमें जाना चाहिए, है ना? हाँ हाँ शीला, मैप ओपन करो। जंगल यहाँ से शुरू हुआ था और हम यहाँ से अंदर आए थे, और यहाँ पर हमारी जीप खराब हुई थी और हम यहाँ से बिल्कुल सीधा आए थे। हाँ, यही 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 वो जगह है जहाँ पर मूर्तियाँ हैं। हाँ यही है। तो हम अपने गोल के बहुत ही नजदीक हैं। हाँ, है ना? हमें और समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, हमारे मकसद से हम कुछ ही कदम दूर हैं। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं, चलो। हे, उस तरफ नहीं, हमें इस तरफ चलना चाहिए। हाँ, चलो चलो इस तरफ।
वो कोई शब्द तरंग है, ध्यान से सुनो सब लोग। वो देखो, उस पवित्र राम नाम को ध्यान से सुनो, उस दिव्य ज्योति की तरफ देखो। सकल चराचर में जीवों के पापों का विनाश करने के लिए जन्म लिया हुआ तारक मंत्र है ये। वो रोशनी कहां से आ रही है? राम नाम का दिव्य किरण तेजस है वो। शीला, बेकार की बात मत करो। जंगल में कभी कभी आग लग सकती है, उसकी वजह से पेड़ जलकर राख हो जाते हैं। थोड़े समय के बाद वो राख हीरे की तरह दिखती है, चमकती है, ये उसकी ही रोशनी है। नहीं। हाँ शीला, यही साइंस है। ये कई बार कई लोगों के द्वारा साबित किया गया फैक्ट है। तो फिर वो राम नाम का जाप कहाँ से आ रहा है? शीला देखो, हम यहाँ पर राम और सीता की मूर्ति को खोजने के लिए आए हैं और हमारा सारा ध्यान उसी के ऊपर है, इसलिए हमें राम नाम के जाप की तरह सुनाई दे रहा है। वो सिर्फ हमारा रिलीजन है और कुछ नहीं। हाँ, पर मुझे ऐसा नहीं लगता। तुम्हें ऐसा नहीं लगता क्योंकि तुम्हें सच्चाई से ज्यादा अंधविश्वास पर ही विश्वास है। ठीक है, चलो देखते हैं। चलो यार। मैंने कहा था ना, ये सब हमारा भ्रम है। श्री राम जय राम जय जय राम। नहीं, मुझे सच में ही लगता है कि यहाँ कोई जरूर अतीत शक्ति है। वो देखो, वहां पर कुछ मंडप की तरह दिख रहा है, शायद मूर्तियां वहीं पर होगी। चलो चलते हैं, चलो कम ऑन, चलो।
आपका ये प्रयास व्यर्थ है। अपनी जान का बलिदान मत दो, संकट में पड़ जाओगे। देव आत्माओं का सामना करना, मृत्यु को अपने पास बुलाना है, मृत्यु का सामना करना है। चले जाओ यहां से, चले जाओ यहां से, जाओ, चले जाओ, जाओ। आपका ये प्रयास व्यर्थ है। अपनी जान का बलिदान मत दो, संकट में पड़ जाओगे। देव आत्माओं का सामना करना, मृत्यु को अपने पास बुलाना है। चले जाओ यहां से, चले जाओ यहां से, जाओ। चले जाओ, अज्ञान हमें जब चारों तरफ से घेर लेता है और हमें सोचने का मौका नहीं मिलता, अपनी जान त्यागने से बेहतर होगा चले जाओ। रमेश, शायद हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। शीला, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? हम इतने दूर यहाँ पर मेहनत से आए हैं, अब हम वापस कैसे जा सकते हैं यहाँ? अरे, मैं आप लोगों को और कैसे समझाऊं? आगे जाने से हमें मुसीबतें होंगी, स्वामी जी ने ऐसा समझाया है। क्या समझाया? एक पागल आदमी जो स्वामी के ढोंग में जंगल में घूम रहा है, उसकी बातें सुनने की जरूरत नहीं है। ए, चलो चलते हैं। चलो रमेश, मेरी बात तो सुनो। चलो शीला, चलते हैं। प्लीज शीला, आ जाओ। रविंद्र, मेरी बात सुनो, चले जाते हैं, जिंदगी और मौत का मामला है। शीला, अगर तुम्हें इतना डर लग रहा है तो तुम मत आओ, तुम रुक जाओ। अरे यार, ये ट्रिप हमने जैसे सोचा था वैसे ही बहुत एडवेंचरस है ना? हाँ, हमें इस मिस्ट्री का पता करना ही होगा। अगर इस करोड़ों रुपए की मूर्तियों को हमने ढूंढ लिया तो हमें नाम और पैसा दोनों मिल जाएंगे। चलो चलते हैं। Thank you.
यस हे करोड़ों रुपए दिलाने वाली मूर्तियां हमारी आंखों के सामने है। अब हमारी सक्सेस को कोई नहीं रोक सकता। वाह रमेश मेरी बात सुनो प्लीज। शीला हम जानते हैं तुम क्या बोलने वाली हो। रविंद्र तुम लोग इन मूर्तियों के महत्व को नजरअंदाज किए जा रहे हो। आर्कियोलॉजी डिगिंग में मिलने वाली साधारण सी मूर्तियां नहीं है ये बहुत ही ताकतवर मूर्तियां हैं। शीला पागल मत बनो यार। ए, चलो चलते हैं। हाँ चलो। रविंद्र प्लीज मेरी बात तो सुनो प्लीज। सुनो मैं कोशिश करता हूं। ये टॉर्च पकड़ो। देखा आप सबने जो राम नाम का जाप सुनाई दे रहा है और जो दिव्य तेजस दिखाई दे रहा है वो दोनों ही उस मूर्तियों का महत्व बता रहे हैं। उस दिव्य तेजस ने ही हमें वहां से बाहर निकाला है और वो मूर्तियां उस तरह से हमें चेतावनी दे रही हैं। चलो ना यहाँ से चलते हैं। हम सबके यहाँ से चले जाने में ही भलाई है प्लीज। शीला हमें जबरदस्ती वापस ले जाने के लिए हमारे साथ आई हो क्या? नहीं मानवों के जीवन से ये महिमा से भरी देवता की मूर्तियां ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। इनका स्वयं दर्शन करके मैं इन्हें पुण्य क्षेत्र तक पहुंचाने आई हूं। इतनी महत्वपूर्ण मूर्तियों को यहां से हटाने की शक्ति हम जैसे मानवों में नहीं है। इसके बारे में भूल जाना ही अच्छा है। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। चलो चलते हैं अभी भी हमारे पास वक्त है प्लीज। चलो ना यहाँ से चलते हैं प्लीज। चलो यहाँ से। शीला रमेश इतनी महत्वपूर्ण अत्यंत शक्तिशाली मूर्तियों को पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें इस शक्ति से भी ताकतवर शक्ति का सहारा लेना चाहिए तभी हम इसे हासिल कर सकते हैं। लेकिन वो शक्ति मिलेगी कहां से? चलो चलते चलो है। चलते हैं यहां से।
मुझे मिल गया मुझे गुरुजी, मिल गया। गुरुजी, ओ गुरुजी, देखो मिल गया। क्या हुआ? मिल गया गुरुजी। मिल गया है क्या? सात घोड़ों के रथ में सवार होके कहीं दूर की दुनिया से इस कब्रिस्तान में पहुंच गई हो तुम। क्या हासिल करने आई हो? यहाँ पर तुम्हें क्या हासिल होगा? छोटे बच्चे हो तुम या बहुत बड़े आदमी हो? तुम भिखारी हो या बहुत बड़े सेठ हो, पैसे वाले हो? शासन करने वाले हो तुम या फिर राज करने वाले हो? अब तुम राख का ढेर हो। आपने बिल्कुल सही बोला। अब इन सब को जोड़कर शक्ति प्रदान करना पड़ेगा। उस शक्ति का उपयोग करके इस धरती पर सारी उम्र जवान रहना है मुझे। इस दुनिया को शासन करने वाला बनकर इसे मुझे कब्जे में लेना है। मुझे इस शक्ति को हासिल करना है। वो हासिल करने का समय आ गया।